देर में एनडीए की दिल्ली में अहम बैठक शुरू होने वाली है। इसमें नई सरकार को लेकर मंथन होने की उम्मीद है। बैठक में एनडीए के कई बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। नीतीश कुमार बैठक में शामिल होने के लिए पीएम आवास पहुंचे हैं। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे भी बैठक में शामिल हो रहे हैं। टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू भी बैठक में पहुंचे हैं। गृहमंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के कई बड़े नेता भी बैठक में शामिल होने पहुंच चुके हैं। तो थोड़ी देर में औपचारिक तौर पर यह बैठक शुरू हो जाएगी। इस बैठक में शामिल होने के लिए एनडीए घटक दलों के जो तमाम प्रमुख चेहरे हैं उनकी मौजूदगी दिल्ली में है और पीएम आवास पर उनकी मौजूदगी फिलहाल कही जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, सरकार बनाने को लेकर के मंथन होगा। 293 सीटें एनडीए को मिली है, बहुमत से 21 सीटें ज्यादा है एनडीए के पास, लेकिन कुछ घटक दलों की जरूरत इस बार सरकार बनाने में बीजेपी को है। एनडीए गठबंधन को बहुमत तो जरूर मिला है, लेकिन सरकार की रूपरेखा कैसी होगी इस पर चिंतन मंथन करने के लिए ये बैठक बुलाई गई है। जो तमाम किंग मेकर हैं, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, नीतीश कुमार हो, ऐसे लोगों को केंद्र में किस तौर पर शामिल किया जाए केंद्र की सरकार में, इस पर भी मंथन किया जाएगा। चाहे टीडीपी हो या फिर जेडीयू हो, इनकी डिमांड क्या है इस पर भी कहा जा रहा है कि मंथन किया जाएगा। और सरकार में कौन से पोर्टफोलियो इन्हें दिया जा सकता है, इनके कोटे को, इस पर भी मंथन किया जा सकता है। और ये स्थिति आखिरकार एनडीए की क्यों हुई है, इस पर भी मंथन हो सकता है। तो फिलहाल बैठक में शामिल होने के लिए जो तमाम बड़े चेहरे हैं उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए नीतीश कुमार बिहार में उभर करके आए और इनकी जरूरत केंद्र में बीजेपी को पड़ने वाली है एनडीए की सरकार बनाने के लिए। तो महाराष्ट्र सीएम शिंदे भी दरअसल दिल्ली में मौजूद हैं और इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। नीतीश और चंद्रबाबू नायडू भी दिल्ली में मौजूद हैं इस बैठक में शामिल होने के लिए। नीतीश और चंद्रबाबू नायडू भी दिल्ली में मौजूद हैं। आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंप दिया है, उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। अब नई सरकार को लेकर के, नई सरकार के गठन को लेकर के कवायद शुरू की जा रही है और इसी कवायद के तौर पर यह बैठक देखी जा रही है। तो थोड़ी देर में दिल्ली में ये बैठक होगी। दिल्ली में नई सरकार को लेकर के मंथन किया जाएगा। बैठक में शामिल होने के लिए महाराष्ट्र के सीएम शिंदे मौजूद हैं दिल्ली में, नीतीश बिहार के सीएम मौजूद हैं, चंद्रबाबू नायडू इस बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली में मौजूद हैं। तो फिलहाल हम आपको तमाम अपडेट आपको बताएंगे कि आखिर इस बैठक में क्या मंथन किया गया है, सरकार की रूपरेखा क्या होगी, सरकार में कौन कौन शामिल होगा, किसे कौन सा मंत्रालय मिलेगा। ये तस्वीर तो साफ नहीं हो पाएगी अभी, लेकिन इस पर मंथन किया जा सकता है। लेकिन क्या सभी सार्वजनिक तौर पर इस बैठक में इस पर चर्चा होगी या फिर वन टू वन तमाम जो किंग मेकर हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक पोस्टरिंग करना था, एक पब्लिक सामने दिखाना था और INDIA गठबंधन को भी सामने ये पेश करना था। दूसरी की जाहिर सी बात है कि जो बैसाखी पर सरकार अगर हो तो वहां पर जो बैसाखी देने वाले जो होते हैं, हेलो चलिए हमारे सहयोगी आप जानकारी दे रहे थे इस बैठक के बारे में, हम उनसे दोबारा से संपर्क साधेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि दरअसल क्या मैसेज देने की कोशिश इस बैठक के जरिए एनडीए की तरफ से हो रही है, क्योंकि एनडीए को बहुमत का आंकड़ा है जो जादुई आंकड़ा 272 का है, उससे कहीं ऊपर एनडीए के पास सीटें हैं। लेकिन जो दो अलाई है पार्टनर हैं उनकी क्रेडिबिलिटी को लेकर के बड़ा सवाल उठता रहा है। वो इधर और उधर हमेशा रहे हैं, दोनों खेमों में उनकी मौजूदगी रही है, चाहे एनडीए की बात हो या इंडिया गठबंधन की बात हो, दोनों से नजदीकियां इन दोनों दलों की रही है। चाहे बिहार की बात करें या चंद्रबाबू नायडू की बात करें, वो हाल ही में एनडीए का हिस्सा बने, तो उन्हें किस तरीके से एनडीए में इंटैक्ट रखा जाए। दरअसल इस बार केंद्र की सरकार के पास ये चुनौती होगी। पहली दफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मौजूदा बीजेपी को अलाई पार्टनर पर डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है केंद्र की सरकार चलाने के लिए। उन्हें खुश रखना, उन्हें मना करके रखना, किस तौर पर बीजेपी इसे हैंडल करेगी, ये देखना बेहद जरूरी होगा। आपको याद होगा कि जो पहला कॉलिशन गवर्नमेंट था वो अटल बिहारी वाजपेयी ने पूरा टर्म किया था। वो पहला कॉलिशन गवर्नमेंट था जो
पूरी तरीके से बीजेपी ने अपना टर्म पूरा किया था। कोलिशन गवर्नमेंट तो पहले भी है, लेकिन इससे पहले बीजेपी को अकेले बहुमत हासिल था, चाहे 2014 की बात करें, 2019 की बात करें, लेकिन इस बार बीजेपी बहुमत के आंकड़े से 30-32 सीटें पीछे रह गई है, और इसलिए बीजेपी को जरूरत है, सहयोगियों की जरूरत है, चंद्रबाबू नायडू हो, नीतीश कुमार हो, ये तमाम जो राजनीतिक दल है, इनकी जरूरत होगी केंद्र सरकार को चलाने के लिए, इसलिए इनके साथ सामंजस्य तालमेल बैठाने के लिए भी ये बैठक कही जा रही है, और एक मैसेज देने की कोशिश हो रही है इस बैठक से कि इंटैक्ट है एनडीए, और इसे तोड़ने की जो कोशिश अगर कोई कर रहा है तो वो ना करे, क्योंकि इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। कुल मिलाकर के ये मैसेज देने की कोशिश हो रही है।